स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पे। मैं हूँ आपके एंकर के क्रिजानियो सोलो। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। लोकसभा चुनाव के आगामी तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 10वीं सीट पर 7 मई को मतदान होना है। मतदान के लिए निर्धारित उल्लेखनीय निर्वाचन क्षेत्रों में आगरा, फैजाबाद, सीकरी और अजाबोजाबाद है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इन क्षेत्रों में मतदान बाद में होगा। एक अद्यतन ईडी प्रदान किया जाएगा। अनवाला जैसे अन्य महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र भी इस चरण का हिस्सा होंगे। इस पर और जानकारी के लिए अभी हमारे साथ स्टूडियो पर जुड़ेंगे हमारे यूपी के पॉलिटिकल स्टेट हेड ऋषि भारद्वाज। ऋषि, हेलो ऋषि। हाँ जी ऋषि, पहले आप हमें ये बताइए कि वहाँ का माहौल कैसा है चुनाव को लेकर। मैं आपको बता दें कि तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होना है। इसको देखते हुए आज योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एटा, फैजाबाद और मैनपुरी में आज अपनी चुनावी रैलियां की है, जिसमें इन्होंने जोरदारी तरीके से कांग्रेस को, बसपा को और सपा को खड़ी होती सुनाई है। और इन्होंने वहां के मतदाताओं को ये भी याद दिलाया है कि उत्तर प्रदेश में ये जो भव्य राम मंदिर बना है, ये न सपा ने बनाया है, न बसपा ने बनाया है, न कांग्रेस ने बनाया है, बल्कि इसको बनाया है भारतीय जनता पार्टी। हमारी अगर सरकार ना होती तो ये मंदिर ना बन पाता। भाई आपको बता दें कि कल्याण सिंह के गृह जनपद, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री है और राम मंदिर आंदोलन के एक अगुआ रहे हैं कल्याण सिंह, उनके जनपद बेटा में जब पहुंचे हैं तो उन्होंने खास तौर पर ये बात कही कि कल्याण सिंह के बेटे राजू भैया इस समय यहाँ से मैदान में है। और भूलिएगा मत कि कल्याण सिंह ने कितना योगदान दिया था राम मंदिर के लिए, और राम मंदिर के निर्माण के लिए, राम मंदिर के लिए उन्होंने अपनी सरकार तक को गिरा दिया। वही अगर पीएम मोदी की बात करें तो पीएम मोदी आज गुजरात में थे के आनंद में थे, और वहां पर उन्होंने राहुल गांधी को कांग्रेस का शहजादा कर बताकर ये कहा, वहां पर जो लोग मौजूद थे, कि पाकिस्तान में जो दुआ कर रहे हैं कि प्रदेश भारत में कांग्रेस की सरकार बन जाए, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि भारत में मजबूत सरकार अगर बनेगी तो पाकिस्तान को उसके लिए खतरा होगा। नरेंद्र मोदी ने साथ ही ये भी कहा कि कांग्रेस के समय में दो संविधान हुआ करते थे देश में, देश में दो झंडे होते थे, लेकिन हमने कश्मीर में तिरंगा लहराया। जी ऋषि जी, दो चरण की वोटिंग कुछ खास नहीं चल रही है, इसे ऐसे में क्या लगता है कि दो चरणों की वोटिंग कैसी होगी? देखिए आपको बता दें कि अगर चुनाव आयोग की बात करें तो चुनाव आयोग की तरफ से जो आंकड़े पेश किए गए हैं उसके मुताबिक जो पिछला चुनाव हुआ था उससे इस चुनाव के जो दो चरण हुए उससे केवल 3% की वोटिंग परसेंटेज जो है वो कम हुआ है। और इसके बाद से ही चुनाव आयोग भी ईवीएम मशीन की तरह विरोधियों के निशाने पर आ गई है, वो चुनाव आयोग पर भी निशाना साध रहे हैं। वहीं अगर एक आम मतदाता की बात करें तो वो इस बार जो है खासा उत्साहित है। जिन सीटों की आप बात कर रहे हैं हम आपको बता दें कि उन सीटों पर मतदाताओं का अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहां पर जो एक माहौल है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बना दिया गया है कि अब ये चुनाव केवल लोकसभा चुनाव नहीं रह गया है, ये चुनाव हिंदू मुस्लिम की एक लड़ाई हो गई। अगर कांग्रेस आएगी तो वो SC ST OBC का जो आरक्षण है उसमें से भी मुसलमानों को अलग से आरक्षण दे देगी। मंगलसूत्र तक की बात हो रही है महिलाओं के, जो कि उनके स्वास्थ्य चिन्ह माना जाता है। नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर यह कहा है, जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी हुआ है उसको उन्होंने निशाना बनाया, और उन्होंने कहा कि जिस तरह से इन्होंने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है उससे आपका मंगलसूत्र भी अब आपके गले में नहीं बचेगा। तो इतिहास में अगर देखा जाए तो ये जो 10 सीटों पर जो लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होना है 7 तारीख को, तो निसंदेह बहुत ही अच्छा होगा। लोग घर से निकलेंगे और मतदान करेंगे। वहीं बीजेपी की तरफ से जो बड़े लीडर हैं, विपक्ष के जो बड़े लीडर हैं, उनका भी कहना है कि अगर गर्मी ज्यादा हो रही है उसी दिन जो मतदान होना उसी ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो आप सुबह जल्दी निकलिए, सलमान घाट में निकलिए, पहले मतदान करिए। जी ऋषि, ये सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रचार का स्थानीय तौर पर क्या असर होगा? देखिए योगी आदित्यनाथ की जो प्रचार शैली रही है या जो उसके काम करने का तरीका रहा है या उसकी जो छवि है वो अब कट्टर हिंदूवादी छवि रही है, जिसका असर केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं देखने को मिल रहा है। मैं आपको बता दूं और आपके देखिए दर्शकों को भी बता दूं कि योगी आदित्यनाथ
नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बाद सबसे ज्यादा डिमांडिंग स्टार प्रचारक है भारतीय जनता पार्टी के। पूरे देश में अलग अलग लोकसभा से उनके लिए डिमांड आती है कि आप आए और हमारे यहाँ प्रचार करें। तो अगर बात केवल उत्तर प्रदेश की जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी एक अच्छी फैन फॉलोइंग है, जिसका नतीजा आप देख सकते हैं कि पिछले विधानसभा के जो चुनाव हुए थे उसमें योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से राज्य में सरकार बनाई थी। और जब भी जहां पर भी योगी आदित्यनाथ प्रचार करने जाते हैं, चुनावी रैलियां करते हैं, वहां की भीड़ जो है वो देश के लिए लगता है कि योगी आदित्यनाथ जिन सीटों पर भी प्रचार कर रहे हैं केवल उन सीटों पर ही नहीं उसके आसपास की सीटों पर भी इस चीज का फर्क पड़ेगा। ऋषि जी, जैसे कि हमें पता है कि कुछ महीने पहले ही चुनाव से पहले ही राम मंदिर का आयोजन किया गया था, तो इस चुनाव में राम मंदिर निर्माण का क्या असर पड़ता है? देखिए, अगर ग्रामीण परिवेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश का ग्रामीण परिवेश जो है वहां पर राम मंदिर के निर्माण के बाद से विशेष उत्साह देखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, माहौल भी देखा जा रहा है। और आपको बता दूं कि जब से राम मंदिर का निर्माण हुआ है उसके बाद से अयोध्या में धार्मिक पर्यटकों का तांता लगा हुआ है। केवल आम आदमी ही नहीं, जो बड़े सेलिब्रिटीज हैं, जो नेता हैं और जो खिलाड़ी हैं, वो भी राम मंदिर में रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं। उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को राम मंदिर का फायदा मिलेगा। लेकिन इसके साथ में ही अगर हम बात करते हैं शहरी वोटरों की, तो अभी तक जहां पर भी मैं घूमा हूँ पूरे प्रदेश में, मुझे वहां पर ऐसा कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। राम मंदिर की बात तो हो रही है, लोग बात भी कर रहे हैं, लोग ये भी कह रहे हैं कि हाँ भारतीय जनता पार्टी ने जो है पूरी मेहनत करी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी काफी योगदान रहा, जिसकी वजह से हमें 500 साल बाद हमारे रामलला को उनका घर मिला। लेकिन इसके साथ ही उनका ये भी कहना होता है कि बेरोजगारी है, शिक्षा नहीं है, जो जरूरी सुविधाएं चाहिए वो नहीं है। तो अगर हम वोट देने जाएंगे तो केवल राम मंदिर ही हमारे दिमाग में नहीं होगा, वोट डालते समय हम ये भी देखेंगे कि हमारे घर का जो बच्चा है वो बेरोजगार बैठा है तो कब तक बेरोजगार रहेगा। बहुत से ऐसे गांव है, बहुत सी ऐसी जगह है जहां पर सफाई नहीं होती है, जहां पर जो मूलभूत सुविधाएं है बिजली नहीं रह रही है, लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल रही, तो वो उससे भी वोट डालने की बात कर रहे हैं। ऋषि जी, जैसे कि आपने अभी बताया कि राम मंदिर को लेके भाजपा की ओर जनता का रुख ज्यादा पड़ रहा है, तो क्या ये कांग्रेस पर भारी पड़ सकता है? देखिए, 2 चरणों का मतदान, और बल्कि मैं ये कहूँ की अगर 3 चरणों का जो मतदान हुआ है वो भी पश्चिम उत्तर प्रदेश के आसपास ही घूम रहा है या पश्चिम उत्तर प्रदेश में ही हुआ है। अब जैसे जैसे अगले चरणों में चुनाव आएगा तो जो पश्चिम के बाद से अब अवध, बुंदेलखंड, पूर्वांचल और तराई के इलाके में के शासक पूरे प्रदेश को अब वो कवर करेगा, और ये वो जगह है जहां पर राम मंदिर स्थापित है। लखनऊ से 100 या 110 किलोमीटर पर अयोध्या है जहां पर मंदिर बना है, पूर्वांचल का वो इलाका है, बाकी सारी चीजें हैं, तो उसको देखकर ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अब जिन सीटों पर चुनाव होगा तीसरे, चौथे, पांचवें और सातवें चरण पर, वहां पर राम मंदिर का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा होगा जो वोटर वोट डालने जाएगा। उसके बिना तो ये बात जरूर होगी कि राम मंदिर जिन्होंने बनाया है हमें उनको वापस लाना है, क्योंकि जिस तरह से संघ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गांव गांव, चौपाल चौपाल, शहर शहर, गली मोहल्लों में गाय बैठ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो उनके पास से यही एक मुद्दा होता है कि हमने आपको राम मंदिर दिया, नरेंद्र मोदी ने आपको राम मंदिर दिया, तो आप कभी भी राम मंदिर जाएंगे अगर तो वहां पर आपको बाद में शर्मिंदगी ना महसूस हो, आप इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दे। तो इस तरह से भावनात्मक तौर से जो वोटर है उसको अपने पक्ष में लाने के लिए ये पूरा प्रयास कर रहा है। चलिए, अभी हम आते हैं मुसलमानों पर, मुसलमानों का क्या रुख है इस चुनाव पे अभी तक? देखिए, जब तक पहले फेज की वोटिंग नहीं हुई थी उस समय तक तो जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो यूपी का मुस्लिम है खास करके वो थोड़ा बहुत उनके पक्ष में नजर आ रहा था, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री और उसके बाद यूपी के मुख्यमंत्री और बाकी के जो अन्य बड़े नेता है उन्होंने कांग्रेस के बहाने मुसलमानों को अपने निशाने पर लिया है, तो कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो रुख है वो हमारे लिए बदला नहीं है, वो आज भी मुस्लिम विरोधी है, वो आज भी हमें दोहन दर्जे का सौंपती है। और इसके बाद से ही माफी चाहूंगा, और इसके बाद से ही
जो भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा है वो विशेष तौर से यूपी में सक्रिय हो गया है और वो मुसलमानों के बीच में जाकर उनको ये बताने की और उनको ये समझाने की कोशिश में लगा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं कहा। वो ये कह रहे थे कि कांग्रेस ने क्या किया है आपको और कांग्रेस क्या करना चाह रही है और इससे आप बिल्कुल अपने को डरा हुआ या अपने को बेगम दर्जे का नागरिक ना समझिए। लेकिन अगर मुसलमानों की बात की जाए तो वो बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं है इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने को लेकर। जी ऋषि, ये मोदी ने किस तरह कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर उत्पात सर का असर देखने को मिलेगा? देखिए, असम की अगर बात की जाए तो केवल यूपी में ही नहीं पूरे देश की अगर बात की जाए तो हिंदी बेल्ट है वहां पर असर काफी देखने को मिलेगा। जिस तरह से चीजें सामने आ रही है वो बेशक बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती और ऐसा नहीं है कि केवल एनडीए को ही ये परेशानी होगी। आज देखिए कि आज सुबह ही जो है समाजवादी पार्टी प्रदेश कार्यालय के बाहर काफी हंगामा हुआ है। समाजवादी पार्टी ने सुल्तानपुर से पहले निषाद को टिकट दिया था, उसके बाद उनका इंतकाल किया तो वो अपने समर्थकों के साथ यहाँ पर आए थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी मिलना चाह रहे हैं लेकिन उनसे मुलाकात उनकी हो नहीं पाई है। समाजवादी पार्टी में भी काफी जगह जो उनके प्रत्याशी हैं उनको लेकर उनको विरोध झेलना पड़ रहा है और कांग्रेस के साथ भी नहीं हो रहा। अभी आप देखिए कि कांग्रेस में अभी तक कल नामांकन का आखिरी दिन है और अभी तक रायबरेली और अमेठी में कोई भी प्रत्याशी नहीं उतारा गया है कांग्रेस की तरफ से। ऐसे में तो ये साफ है कि अगर भारतीय जनता पार्टी एक तरफ बढ़त लेने के लिए है और दूसरी तरफ अब मैं आपको बीच में रोकूंगा, सुनो मैं आप अपने दर्शकों को बता दूं कि अभी अभी एक बड़ी खबर मिल रही है कि करण भूषण जो कि ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे हैं उनको कैसरगंज से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बना दिया है। आपको बता दूं कि कैसरगंज से इनके पिता ब्रजभूषण शरण सिंह बीजेपी के सांसद हैं वर्तमान में और उनके ऊपर पहलवानों के साथ यौन शोषण का आरोप लगा था जिसका मामला कोर्ट में लंबित है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने उनके बेटे करण भूषण को जो टिकट दिया है उससे कहीं ना कहीं उन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह की नाराजगी को कम करने की कोशिश की है क्योंकि जिस तरह से ब्रजभूषण सिंह एक तरह से विरोध का उन्होंने मन बना लिया था और उनके बीच में बयान भी आने लगे थे कि कौन मेरा टिकट काट देगा कौन क्या कर देगा कैसे और जो ये गोंडा और कैसरगंज का ये जो इलाका है ये ब्रजभूषण शरण सिंह का अपना इलाका है और यहाँ पर उनको अच्छे मार्जिन से जीत मिलती आई है। और सबसे बड़ी बात मैं आपके दर्शकों को आपके माध्यम से बता दूं कि जिस तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को आज टिकट दिया गया है उसके बाद अब वहां का जो चुनाव है वो काफी रोचक हो जा रहा है। जी ऋषि जी, आप हमें ये बताइए कि बरेली मैनपुरी और बदायूं का अभी हालत कैसा है, वहां का चुनाव के लिए उनका उत्सुक कैसा है? देखिए बरेली मैनपुरी और बदायूं की अगर बात करें तो बदायूं से संघमित्रा मौर्य सांसद हुआ करती थी, उसके जब उनका टिकट काटा जाता है तो वो मंच पर भावुक भी हो गई तो उनके जो पिता थे स्वामी प्रसाद मौर्य जो की कभी भारतीय जनता पार्टी में रहा करते थे और फिलहाल उन्होंने अपनी एक नई पार्टी बना ली है। उन्होंने अपनी बेटी को समझाने की भी कोशिश की थी कि इस तरह की नहीं होती है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने शिवपाल यादव के बेटे को अपना वहां से प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में वहां की लड़ाई काफी रोचक हो गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि मतदाता भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को और उनकी बातों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वादों को दावों को और योगी आदित्यनाथ जिस तरह की सरकार चला रहे अगर उनको देखते हुए अगर आगे बढ़ता है मतदाता तो निसंदेह मैं कह सकता हूँ कि 7 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अच्छा वोट जाएगा। अगर मैनपुरी की बात करें तो मैनपुरी समाजवादी पार्टी की अपनी परंपरागत सीट रही है। मुलायम सिंह जी जो कि संस्थापक अध्यक्ष रहे थे संस्थापक रहे थे समाजवादी पार्टी के उनका हाल में ही निधन हुआ। उनके निधन के बाद मैनपुरी से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल को प्रत्याशी बनाया गया था जहां से उन्होंने बहुत ही अच्छे मार्जिन से जीत दर्ज की थी और इस बार भी मैनपुरी से ही डिंपल यादव है। और आपको बता दूं कि डिंपल यादव का चुनाव बहुत ही अच्छा चल रहा है और अभी तक जो मतदाताओं का रुख है वो उसको देखने से साफ लग रहा है कि मैनपुरी में डिंपल यादव के सामने कोई भी चुनौती नहीं है। और अगर बरेली की बात करें तो यहाँ पे संतोष गंगवार जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री है भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता रहे हैं उनका टिकट काट कर भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर
ऋषि जी, जैसे कि ऋषि जी मैं आपको रोक देती हूँ वहाँ पर। जैसे कि आपने अभी बताया कि बड़ी खबर के अनुसार ब्रिजभूषण चरण सिंह को बीजेपी ने केसरगंज के लिए टिकट दिया, नहीं दिया, उनके बेटे को टिकट दिया, उनके बेटे को दिया। तो ये ब्रिज, जैसे कि हमें पता है कि ब्रिजभूषण चरण सिंह के ऊपर यौन शोषण का आरोप है, तो क्या ये उनके बेटे के ऊपर कोई हावी पड़ सकता है क्या ये? देखिए, अगर कैसरगंज की बात की जाए तो सिर्फ कैसरगंज ही नहीं, ब्रिजभूषण चरण सिंह के नाम पर गोंडा में भी जो कीर्तिवर्धन वहां से सांसद है उनके लिए भी वोट पड़ता है, और कैसरगंज में भी ब्रिजभूषण चरण सिंह के ही नाम पर वोट पड़ता है। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ब्रिजभूषण चरण सिंह का टिकट काट कर उनके बेटे को टिकट दिया गया है, तो ये कहीं से भी नुकसानदेह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से ब्रिजभूषण चरण सिंह को बगावत करने से रोक दिया है, क्योंकि कैसरगंज में गली चौराहे से लेकर जो वहां का एक एक मतदाता है, चाहे वो पक्के मकान में रहता हो, चाहे वो कच्चे मकान में रहता हो, या कैसा किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, ब्रिजभूषण चरण सिंह के साथ उसका विशेष लगाव रहा है। उससे ब्रिजभूषण चरण सिंह के सामने किसी भी पार्टी का कोई भी प्रत्याशी रहा हो, उसकी कभी कोई भी कोई फर्क नहीं पड़ा। ब्रिजभूषण सिंह जब भी वहां से चुनाव लड़े हैं, अच्छा चुनाव लड़े हैं, अच्छा चुनाव जीते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि उनके बेटे करण को वहां पर कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। जी शुक्रिया ऋषि, वहां से हमें चुनाव के बारे में लेटेस्ट जानकारी देने के लिए। मैं सुनो, अपने दर्शकों को मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूँ। अभी अभी एक खबर मिली कि रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह, जो कि मंत्री है उत्तर प्रदेश में, उनको भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बना दिया है। जबकि आपको बता दें कि रायबरेली जो है वो कांग्रेस का गढ़ रही है, सोनिया गांधी यहाँ से सांसद हुआ करती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो काफी दीवार चल रही थी, ऐसे में वो राज्यसभा चली गई थी, और अभी तक कांग्रेस ने रायबरेली से अपना कोई भी प्रत्याशी नहीं उतारा। जी ठीक है ऋषि, वहां से अभी आपने जो लेटेस्ट अपडेट दिया उसके लिए शुक्रिया। अभी हम देखते हैं दूसरी न्यूज। सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र से टिकट नहीं मिलने पर समाजवादी पार्टी के नेता भीम निषद के समर्थकों ने एसपी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। भीम निषद सापा प्रदेश कार्यालय पर सापा मुखिया अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे थे, लेकिन समर्थकों के साथ घंटों इंतजार के बावजूद उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। इससे भीम निषद के समर्थकों में गुस्सा फैल गया और उन्होंने ईएसपी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। तो करीब से भाई विजुअल बनाने दो, अरे हम मान गए क्या लिए जाते? मैं तो बड़ा भाई हूँ, पूछने आया हूँ किसका जो 70-80 लाख रुपए का फुकवा, हम यही तो परिवार वाले 70-80 लाख का फुकवा दी। हम लोग घाट के रहना, कवरेज के लिए मना करोगे, मना कर दोगे? केसरगंज से बीजेपी के बाहुबली नेता ब्रिजभूषण शरण सिंह संसद है। यौन शोषण के मामले में पति के टिकट पर तालवारिन लटकी हुई है। ऐसे में बीएसपी ने नरेंद्र पांडे को टिकट देने का इजाजत हासिल कराने की कोशिश की है। अभी के लिए इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहें हॉर्नबिल टीवी।